दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रक्षा मंत्रालय की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए बड़ा मौका है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं रक्षा मंत्रालय भर्ती 2020 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें ग्रुप सी की, जिसके अंतर्गत स्टेनोग्राफर, वार्ड सहायिका, चौकीदार, सफाई वाला, बार्बर, वाशरमैन, सफाई वाली, टेलर, ट्रेड्समैन, मेट, माली, कारपेंटर, पेंटर और कुक की पोस्ट निकली है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 18,000 से 25,500 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। mod.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 26 जून 2020 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इम्प्लॉयमेंट न्यूज 6 से 12 जून 2020 के बीच में 155 बेस हॉस्पिटल के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एलिजिबल इंडियन सिटीजन से यहाँ से आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की पोस्ट है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी, सैलरी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मेल या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी दी गई है। जैसे कि स्टेनो के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। इसमें सैलरी 25,500 पर मंथ के लिए 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं और मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जो वार्ड सहायिका की पोस्ट है, इसके लिए 17 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 18,000 रुपये सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह चौकीदार पोस्ट के लिए 18,000 रुपये सैलरी है, मेल अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाला पोस्ट के लिए भी 18,000 रुपये सैलरी है, इसके लिए भी मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बार बार के लिए यहाँ पर 18,000 सैलरी है, मेल अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन जो पोस्ट है, इसके लिए भी 18,000 सैलरी, मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सफाई वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर 18,000 सैलरी है, केवल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो टेलर और ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर 18,000 सैलरी है। इसी तरह माली के लिए और कारपेंटर जो बाकी की पोस्ट है, पेंटर, कुक, सभी के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मेल अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट की 3 पोस्ट है, कारपेंटर, पेंटर, कुक, इनके लिए 19,900 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आयु की अगर बात की जाए तो यूआर के लिए 18 से 25 वर्ष है, ओबीसी के लिए 18 से 28 है, एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष है। पीएच कैंडिडेट को 10 साल की छूट, 15 साल की एससी एसटी को और 13 साल की ओबीसी को यहाँ पर इसमें दी जाएगी। ईएक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की इसमें छूट दी गई है। एड्रेस दिया गया है जिस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कमांडेंट 155 बेस हॉस्पिटल, 3784001 तेजपुर, इस एड्रेस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा। आवेदन पत्र आपको इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म क्रॉप करना होगा, पोस्ट डालनी होगी, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में, फादर्स या गार्डियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, कंप्लीटली डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। राइट साइड में फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा और ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है। जी दोस्तों, स्टैंप लगेगा इसमें 25 रुपये का, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 2 यहाँ पर कलर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड इनवॉल्व इसमें आपको सेंड कर देना होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट इसमें मांगे गए हैं। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए सिंपली आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।